अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हो? सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं ऊपर आ गया था तो मैं इनके लिए थोड़ा सब्ज़ा लेके आया हूँ, दिखाता हूँ। ये देखें सब्ज़ा वगैरह था और ये छत की कल सफाई वगैरह की है। मैंने कल छत की सफाई वगैरह कर दी थी। तो ये देखें, ये एक तोड़ा बना है कचरे का, पता नहीं हर जुमे के दिन नहीं करता। दोस्तों कबूतर पकड़ा है, ये देखें ये नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कल बच्चे थे ना जो सफाई कर रहे, उन्होंने पकड़ा था। बग्गू और कालू को भूख लगी, बाकी सब भी भूखी हैं, इनको पहले दाना पानी कर देते हैं। केज को ओपन करते हैं। आ जाओ बाहर, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। ये शेरू और रानू को भी निकाल देते हैं बाहर दोस्तों, इनके इधर ऐसे रख देते हैं ताकि वो झगड़ा ना करें। तो बग्गू भाग के इधर नीचे चले जाए। अंडा आज नहीं दिया, आज मेरे ख्याल में अंडा नहीं दिया, 5 ही अंडे हैं इसके, आज अंडा नहीं दिया। इनको के लिए दाना लेके आते हैं बाहर से। ये देखिए, अब मारना नहीं है किसी को, मारना नहीं है। नहीं नहीं मारना नहीं है, दाना मैं लेके आता हूँ आपके लिए। देखे दोस्तों, ये पीछे पीछे कबूतर कुछ मैंने बाहर निकालते हैं, वो मुर्गी वाले केज, कबूतर वाले केज में चले गई है। कबूतर भी बाहर आ गए हैं ये, और इनमें से नए कबूतर भी बाहर आ रहे हैं, ये मसला ही होगा। चलो मुर्गी को बाहर निकाल देते हैं। ये देखें ये पीछे पीछे हैं, ये दाना डालने ही नहीं देते मुझे। चलो इनको दाना पहले कर देते हैं ताकि वो तरतीब वाइज खा लें। आ जाओ आ जाओ, आप इधर आ जाओ आपको दाना इधर डाल दिए, ये मुर्गी खा लेंगे। और एक जगह पे और ये भी एक आज नया बाहर निकला है, देखते हैं। और चूजों को इधर डाल देंगे, पर ज़्यादा डाल गए, कम ही डाल, इनको बाहर निकाल देते हैं। ये सब बाहर जा रहे हैं। दोस्तों जो कबूतर पकड़ा था ना मैंने, वो आपको दिखाता हूँ, जो वापस केज में जा रहे हैं। ओ, ओ, ये देखिए झगड़ा कर रहे हैं, ये कबूतर है दोस्तों। ये कबूतर पकड़ा हुआ, ये बच्चों ने इसको कट कर दिया है फुल, पर ये है कि इसकी आइज ना, आइज इसकी पहले ना ब्रीक थी, जब आया था ना मैंने देखा तो इसकी आइज के अंदर जो होता है ना डेला जिसको हम बोलते हैं, वो इतना ब्रीक था ना कि छोटा सा था। जैसे जैसे ये कबूतर दाना पानी खाता गया थोड़ा सा ना, तकरीबन 2-3 घंटे गुजरे तो ये इसका ना आइज वाली आँख बहुत बड़ी हो गई। वहाँ यही कबूतर मैंने देखा है जिसकी आइज पहले छोटी थी और बाद में है ना ऐसा ऐसा बड़ी होने लगी। इसकी चूड़ी का नंबर भी लगा हुआ है, देखिए किसका है। और ये देखें, ये पहले बाहर आया है, इस बार छिड़ के देखिए। बैठ गया बैठ गया बैठ गया, पर नया है ये, इसको ज़्यादा तंग नहीं करना। बैठ निकाल देते हैं दूसरे कबूतर भी एक दो। बग्गू इधर आओ, आपको डाल, आओ आओ आप इधर, रोटी खाओ, गिरा ना देना, आओ चार पाई पे आओ। ये मेरा बग्गू है, इसको थोड़ा सा अलग ही देता हूँ ताकि झगड़ा ना कर लें। वो देखो वो जो मुर्गी है ना, वो इनको बाहर भेज दिए, कबूतर खा रहे हैं सारे। ये अभी नया है, इसको अंदर ही कर देते हैं ताकि ये तंग ना करें। जाओ जाओ नीचे से, नीचे से, नीचे से। ये भी दाना पानी कर रहे हैं दोस्तों, दाना पानी इनको रहे। मौसम इतना ख़राब है, बादल बहुत गरज रहे हैं, बादल ही बादल हैं। बच्चे देखे ऊपर आए हुए हैं, कितने बच्चे पतंग वगैरह डाल रहे हैं, इतना बादल हुआ है।
बारिश आएगी बहुत ही। और अंदर बच्चों की वो देखो मुर्गी ने कर दी बहुत अच्छे। ओए ओए बाहर नीचे ना गिर जाना, ऊपर बैठ गई है। मैंने कहा नीचे ना गिर दे, ये दाना भी गिरा देंगे। जैसे दाना उठा लेते हैं। और ये मैंने ना थोड़ा सा तोतों के लिए लिया था धनिया और आलू, ये तोतों को डाल देते हैं। तोते तो आपसे मिले ही नहीं होंगे। लो खा लो खा लो, आ जाओ आप नहीं है, इनको डाल देते हैं। ये देखिए ये जोड़ी लगी है, पता नहीं कब बन रहे जी। माशाल्लाह बहुत प्यारे हो गए। मिठू बड़े तोता भी ले गएंगे इंशाल्लाह। जोड़ी लक्की भी अंडों पे बैठी हुई है दोस्तों। और वो देखे बच्चे काफी बड़े हो गए, दोनों ठीक हैं। ये वाला बच्चा, ये भी बच्चा काफी बड़ा हो गया। इधर की सूरत हाल का नहीं पता, वो देखेंगे अब बच्चे आएंगे तो। ये देखें अब बाकी बाहर निकाल दिए तो ये अब दाना पानी कर रहे हैं। वो सीन मुर्गी ने दानों पर अटैक कर दिया। इधर पड़े भी हुए हैं, इधर दाने पड़े हुए हैं तो वो दाना नहीं खाते हैं। ये सिर्फ वो दाना खाते हैं जो ना मेरे हाथ में होता है, बाकी दाने नहीं खाते। खाया कुछ भी नहीं, दाना ही डाला है इन्होंने बागे पे दी। इसको इधर रख देते हैं ताकि इनसे ना गिरे ना, ऐसे करके मैं नीचे करके डाल देता हूँ। कालू आएगा इसके अंदर जाए, दाने कम तो है मेरे ख्याल में। बूतर देखिए कितने ज़्यादा माशाल्लाह, बूतर काफ़ी और ज़्यादा नहीं रहता। और मेरा जहन है फैंसी वगैरह जोड़ा जोड़ा वो लगाएंगे ताकि वो केज खाली पड़े हुए सारे अंदर वाले, अंदर वाले केज खाली पड़े हुए दोस्तों। तो मेरा है इरादा कि फैंसी वगैरह ना जो फैंसी कबूतर होते हैं वो थोड़े से लगा के देते हैं, वो कैसे लगते हैं प्यारे लगते हैं। वो पहले मैंने रखे हुए थे गुब्बारा वगैरह, ये देखो मुझे झगड़ा बहुत कर रही है दोस्तों। ये देखिए ये जाएगा बाल्टी के अंदर और दाना अंदर से जाएगा। कल का ना ऐसे बाल से इतने तंग किए हैं, जैसे मौसम ख़राब है जिसकी वजह से तंग किए हैं बच्चे। ये दोनों बच्चे हैं नए वाले, काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये मार रहा है इनको लोगों को, उसके बेचारे को वैसे पतला किया हुआ है उसने। ये वाले ठीक है, बच्चे निकलते हैं जब भी निकलते हैं ना वो बच्चे बड़े नहीं होते, एक दो दिन बाद या चार पाँच दिन बाद लगा लें वो मर जाते हैं। पता नहीं क्या मसला है लक्कों के बच्चे ऐसे माने हैं। कोई आपको टिप पता हो तो बताइएगा यार दोस्तों। लक्की के जब भी बच्चे निकालते हैं ना तो तकरीबन 7-8 दिन रहते हैं तो मर जाते हैं। इसने भी अंडे दिए हुए हैं, वो काला वाला नीला बैठा था ना उसके साथ, उसके जो वो बच्चे हैं वो वाली कबूतरी है जो। और इसके नर है जो ये ब्लैक डॉट लगाया था मैंने बच्चे चेक करने के लिए। दोस्तों मेरे ख्याल में ना वो लक्की भी बाहर है, वो लक्का भी बाहर है, इनके अंडे देख ही लेते हैं ताकि मेरे देखने में ना उन्होंने बच्चे नहीं निकाले अंडे खराब कर दिए। चलो देखते हैं आपको भी पता चलेगा। ऐसे करके से ओपन करते हैं, मैं पकड़ लेता हूँ ऐसे करके घुमा के, ऐसे करके देखते हैं। दोस्तों आया कुछ ना यार, मेरे ख्याल में अंडा ही है वो खराब हो गया। चलो देखते हैं इनको, अंडा बड़ा हो गया तो खराब नहीं होगा। ये बग्गू और कालू खा रहे हैं आपस में और बाहर झगड़ा चल रहा है। बाहर जब देखो ना आपस में झगड़ा ही ज्यादा होता है। ये देखो इनका झगड़ा ही नहीं खत्म होता, जब देखो झगड़ा ही कर रहे होते हैं, झगड़ा ही झगड़ा पूरा टाइम हो जाता है। कितना प्यारा इसकी एक आइज ब्लैक है और एक आइज वाइट बनेगी या कोई और बनेगी। इसकी ऐसी कबूतरी मेरे पास पहले भी है, वो देखे उसकी वाइट आँख है और ब्लैक आइज। प्यारे लग रहे हैं काफ़ी माशाल्लाह।
जाल काफी बड़ा है, आपको दिखाता हूँ दूर से। जाल देखो काफी बड़ा है, लगा रही है को को करके ले दिए हैं मेरे जाल अंडा देने के। उड़ रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। वो चीज़ा देखो ब्लैक ब्लैक चला गया ना बाल्टी, अपने इधर को पेट भर के पा रहा है ताकि इधर से कोई भी नहीं तंग करता, बाकी तंग करते रहते हैं और ये से कोई भी नहीं तंग करता। ये देखो चार भाई के ऊपर ही बैठ गए, इधर देखते हैं इधर भी सोते हाल अच्छी है। जो नया वाला था ना उनको वो दिल लग गया, उनको थोड़ा सा दाना और मारकर पानी कर देते हैं, जब थोड़ा ठहर के करेंगे ताकि एक दफ़ा फ्रेश हो लें फिर दाना पानी दो दफ़ा कर देते हैं। काफ़ी बड़े हो गए, ये घर का पुराना बच्चा है। जाल की तकलीफ नहीं थी और देखिए झगड़ा कर रहे हैं, उसको मारता ही रहता है पूरा टाइम। ठीक, वो दाने पड़े हुए हैं वो नहीं खा रहे, ये पानी रखा हुआ है ताकि ये पूरा दिन खुले रहते हैं तो इधर से पानी पी लेते हैं। तो ये मुर्गी मेरे ख्याल में अंडा दे रही है, ऐसा कर रही है को 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 को। ये देखें क्या बात है, चूजे को मारना चाह रही है मेरे ख्याल। ये देखें ना इनका बच्चा जो बड़ा हो गया ना कार्नर पे पड़ा हुआ, वो इनका बच्चा है। अभी वो कबूतर फ्री है, उसके साथ मैंने वो वाइट वाली लगाई थी वो देख वो वाली, पर वो इसके साथ लग गई है, काकरा नहीं है जो वाइट आ गया इसके थे। दोस्तों ऊपर कौवा आके बैठ गया था तो वो अब चला गया। तोतों को देखते हैं, छापा डाला हुआ है गर्मी सर्दी से बचे रहे, खा रहे अपना दाना पानी, अच्छी बात है। दोस्तों आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।